हमने यहाँ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और जिला अस्पताल में जो महिला अस्पताल है उसमें जो नया भवन बना है, पुराना भवन है, अस्पताल की संचालन तो साफ सुथरे तरीके से हो रहा है और वहाँ महिलाएं अच्छी ढंग से लाइन लगा के अपना सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो नया बिल्डिंग बना है उसमें अभी कुछ उपकरणों की और साज सज्जा की आवश्यकता है। इसको हम सेशन में बात करके इसको त्वरित गति से यहाँ भिजवाएंगे। एंड नंबर टू, अब क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो रोगों की जो फैलाव भी, संख्या भी जो है तो बढ़ रही है, तो स्वाभाविक है हमारे जो अस्पताल बना हुआ है इस पे अधिक लोड है, इसकी जो क्षमता है उससे अधिक लोड है। और दूसरी ओर थोड़ा डॉक्टर्स की कमियां हैं, तो आपके सीएमओ साहब ने अवगत कराया कि अच्छा सा सैलरी पैकेज देने के बावजूद भी डॉक्टर्स मिल नहीं रहे हैं, वो आते भी हैं तो वो तुरंत निकल रहे हैं। इसका भी हमको समाधान ढूंढना होगा। और मेल अस्पताल का भी मैंने निरीक्षण किया, विशेषकर आपके जो ब्लड बैंक है अच्छी तरह से चल रहा है और यहाँ ब्लड जो यूनिट्स हैं उसका रखरखाव और उसका देखभाल भी अच्छी हो रही है, संतोषजनक है। आप देख रहे हैं, मैंने भी देखा, आपका अस्पताल का परिसर का भी रखरखाव और इसका जो पारिशुद्धि उस पर समुचित ध्यान है। तो मैंने आपकी दवाओं के वितरण फैसिलिटी का भी मैंने चेक किया था, तो दवा सभी अच्छी स्थिति में है और उनकी डेट वगैरह ठीक है। कुछ एक दो शिकायत प्राप्त हुए हैं मुझे, ये 108 की जो एम्बुलेंस है ये सर्विस तुरंत नहीं पहुंच रहे ग्रामीण इलाकों में। इनको वैसे निर्देश है कि 15 मिनट के अंदर पहुंचना चाहिए फ़ोन आते ही। और दूसरा, कुछ उस अधिकारी के खिलाफ भी एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई, मैंने जिलाधिकारी को वो जांच करा के तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया हूँ।